अपना मलिर टैलेंट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग को महर्षि वाल्मीकि जी का मूर्ति बना करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में हम 4 अंक का कोड दिए हैं, तो जो भी सबसे पहले कोड हमें सेंड करता है तो उसका हम मूर्ति बना देंगे, और सिर्फ एक ही आदमी का मूर्ति बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी सही कोड सेंड करता है उसका मूर्ति बनाएंगे। तो चलिए वाल्मीकि जी का मूर्ति को बना रहे हैं, उसको बारे में बताएंगे। तो वाल्मीकि जी का पहले एक पैर बना दिए हैं, उसके नीचे से मिट्टी लगा करके कपड़े का डिजाइन करेंगे। ये छोटा छोटा मिट्टी लगा करके कपड़े का डिजाइन कर रहे हैं, और ये कर्ची की मदद से फाइनल डिजाइन करेंगे हल्का हल्का। और ये वाल्मीकि जी का दूसरा पैर लगा दिए हैं, और नीचे से थोड़ा मिट्टी लगाए हैं, और इसमें भी कपड़ा के लिए मिट्टी चिपका रहे हैं ऊपर से, और पानी से थोड़ा चिकना दिए हैं। कर्ची से हल्का पहले बराबर कर लिए हैं, अब हल्का हल्का लाइन खींच करके कपड़े का डिजाइन करेंगे। और ये टूल की मदद से थोड़ा डीप डिजाइन कर दिए। अब ब्रश से पेंट करके इसे फाइनल कर रहे हैं कपड़े का, और स्टिक लगा करके वाल्मीकि जी का बॉडी को जोड़ेंगे। तो साइड से मिट्टी लगा रहे हैं बॉडी को जोड़ने के लिए, और पेट में भी हल्का सा मिट्टी लगा दी है, और कर्ची से थोड़ा पेट को मिला देंगे, हल्का सा फिनिशिंग कर लेंगे। वाल्मीकि जी का चेस्ट बना रहे हैं, यानी सीना बना रहे हैं। और ये वाल्मीकि जी जिसको लिख रहे हैं वो पत्ता रख दिए हैं, और ये वाल्मीकि जी का दूसरा ये हाथ बना रहे हैं। तो हाथ को बहुत ईजी तरीका से पतला से मोटा बेल लेंगे, और इसे मोड़ करके, और थोड़ा बहुत इसमें मट्टी लगता है तो लगा देंगे। पहले नाप लिए हल्का सा बॉडी के साथ, मोड़ने के बाद नीचे थोड़ा क्रैक हो रहा है तो वहाँ पर भी मिट्टी भर के से पूरा कर देंगे। तो इस तरीका से हाथ बनाते हैं, थोड़ा पानी से चिकना देंगे इसे, वाल्मीकि जी का हाथ को जोड़ देंगे। और ये वाल्मीकि जी का दूसरा हाथ बना दिए हैं, जो नीचे से पकड़े हुए रहेंगे। थोड़ा ऊपर में मिट्टी लग रहा है कंधे पे, तो थोड़ा सा मिट्टी लगा देंगे। वाल्मीकि जी के कंधे पे कपड़े का डिजाइन कर रहे हैं, तो एक साइड में कपड़े का डिजाइन करेंगे, और ये लटकते हुए कपड़े का डिजाइन कर रहे हैं, यानी कपड़ा बना रहे हैं। और फिनिशिंग करने के बाद कर्ची से हल्का हल्का दाग दे देंगे। और टूल की मदद से इसे डीप डिजाइन कर रहा है, थोड़ा गहरा कर रहा है डिजाइन को। और ये वाल्मीकि जी का फेस बना रहा है, तो फेस बनाने के एक लंबा सा शेप बनाए हैं, और पहले बाल से स्टार्ट किए हैं, और ये साइड से दाढ़ी का डिजाइन कर रहे हैं, और ये बाल का ऊपर का बाल बना रहे हैं। तो बराबर से दोनों साइड चाप करके पहले आईब्रो के
साइड से डिजाइन कर रहे हैं और फिर वाल्मीकि जी का आँख बना रहे हैं। तो आँख जो बनाएंगे थोड़ा गोल टाइप का बनाएंगे और साइड से मिट्टी छाट करके हटा रहे हैं आँख के ऊपर वाले मिट्टी, ऊपर से मिट्टी छाट के हटा दिए और नीचे से थोड़ा सा मिट्टी छाट के हटाएंगे। और दाढ़ी के नाक के साइड से दोनों तरफ चाँप दिए, थोड़ा सा मिट्टी लगा गाल पे, थोड़ा सा मिट्टी लगा दें गाल पे। और नाक के लिए मिट्टी लगा दिए और टूल की मदद से थोड़ा अच्छा से खींचनाएंगे। थोड़ा वीडियो धुंधला लग रहा है तो आप लोग थोड़ा कंप्रोमाइज वीडियो के साथ कर लीजिए, बहुत ही जल्द आप लोग को क्लीन क्लीन पूरा दिखने को मिलेगा। ये आईब्रो के ऊपर थोड़ा मिट्टी लगा दिए और आँख को थोड़ा चिकना देंगे और वाल्मीकि जी का आँख को फाइनल डिजाइन कर रहे हैं। आँख के नीचे हल्का सा मिट्टी को चाप करके नीचे का आँख के नीचे जो रहता है वो डिजाइन कर दिए हैं और ये आईब्रो को डिजाइन कर रहे हैं वाल्मीकि जी का। और नाक में छेद कर दिए हैं टूथपिक की मदद से और थोड़ा सा छेद को अच्छा से फिनिशिंग कर लिए। अब वाल्मीकि जी का दाढ़ी पहले लंबा सा जोड़ लेते हैं, उसके बाद दाढ़ी मूछ बनाएंगे। तो लंबा सा दाढ़ी जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा साइड से भी दाढ़ी जोड़ दिए, दाढ़ी मतलब मिट्टी लगा दिए। अब वाल्मीकि जी का मूंछ जोड़ रहे हैं, और मुंह के लिए मिट्टी लगा करके होंठ का डिजाइन कर रहे हैं। तो बहुत ईजी तरीका से वाल्मीकि जी का चेहरा बना रहा है और थोड़ा दाढ़ी के नीचे भी मिट्टी लगा दिए और इसे थोड़ा चिकना देंगे ब्रश से पेंट करके और उसके बाद फिर दाढ़ी मूछ को थोड़ा करछी से डिजाइन करेंगे। तो करछी से हल्का हल्का लाइन खींच रहे हैं दाढ़ी के लिए। और कान के लिए मिट्टी चिपका दी है और कान का डिजाइन कर रहे हैं ईजी तरीका से। पीछे से थोड़ा दाढ़ी को काट के लिए काट लेंगे क्योंकि फिर जोड़ने में दिक्कत होगा इसीलिए। और स्टिक लगा करके वाल्मीकि जी का फेस को जोड़ दिए हैं और पीछे से जो दाढ़ी काटे थे तो पीछे से वहाँ मिट्टी लगा देंगे और वाल्मीकि जी का बाल दे दिए हैं पीछे से। अब वाल्मीकि जी का जटा का तैयारी कर रहे हैं यानी कि ऊपर का बाल बना रहे हैं। बहुत ईजी तरीका से हल्का हल्का छाप करके वाल्मीकि जी का बाल का डिजाइन कर रहे हैं। तो जटा में बाल का डिजाइन कर रहे हैं इसके लिए पहले मोटा मोटा डिजाइन कर दिए, अब महीन से बाल का डिजाइन कर रहे हैं। अब आप लोग कहीं जाइएगा ना, वीडियो में आप लोग को कलर करके भी दिखाएंगे। तो वाल्मीकि जी का पैर थोड़ा ड्राई हो चुका था, गर्मी का बहुत ज़्यादा दिन है तो इसलिए ड्राई हो चुका था, तो इसलिए दूसरा पैर लगाए हैं और ये नीचे में पत्ता चिपका दिए हैं और ये मोड़ बना रहे हैं पतला सा। मिट्टी चिपका करके ये मोड़ बनाएंगे जो वाल्मीकि जी के हाथ में बनाएंगे और बहुत ईजी तरीका से इसको मोड़ दिए, मोड़ करके गोले सा डिजाइन कर दिए। तो ये मोड़ बन चुका है और ये पत्ता में हल्का सा छेद कर दिए थे उसी छेद में मोड़ को लगा दिए और वाल्मीकि जी का हाथ बना रहे हैं। तो एक एक करके उंगली को जोड़ेंगे, आप लोग एक साथ भी जोड़ सकते हैं मगर हम एक एक करके जोड़ रहे हैं।
तो ये वाल्मीकि जी का हाथ बन चुका है, अब वाल्मीकि जी का दूसरा हाथ भी बना दिए हैं। ऊपर में युद्धराक्ष का मोती बना रहे हैं, तो मोती बनाने के लिए एक लंबा सा दाब लगा करके और उसके बाद हल्का हल्का बहुत ही तरीके से माला बन चुका है। और ये मूर्ति बन चुका है, अब इसे कलर करके दिखाएंगे। तो कलर वाला ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, आप लोग कहीं जाइएगा ना। और आप लोग को वीडियो में कोड दिख रहा है तो हमें कोड सेंड कीजिएगा, तो जो भी सबसे पहले सही सही कोड हमें सेंड करता है उसका मूर्ति हम बना देंगे। तो सबसे पहले पीला कलर से वाल्मीकि जी का ऊपर का कलर कर दिए, और नीचे में थोड़ा दूसरा पीला कलर, डीप पीला कलर यूज कर रहे हैं। और ऑरेंज कलर से पहले वाल्मीकि जी का कपड़े को कलर कर रहे हैं पूरा, और यहाँ पे हल्का सा पीला कलर यूज कर दिए हैं, हल्का सा ऑरेंज कलर में हल्का सा पीला कलर यूज कर दिए, और ऑरेंज कलर में हल्का सा ब्लैक कलर मिला करके हल्का हल्का ऑरेंज में शेडिंग कर रहे हैं कपड़े में। तो उसी तरीके से धोती में भी कपड़े का शेडिंग कर रहे हैं, तो पीला कलर में हल्का सा ऑरेंज कलर मिला करके हल्का हल्का शेडिंग कर रहे हैं। और फेस कलर को पहले कलर कर देते हैं, और फेस कलर में भी इसी तरीके से पेंट करते हुए में शेडिंग करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि जैसा कि बॉडी पर बार बार कलर कर रहे हैं, तो इसमें हल्का सा ऑरेंज कलर मिक्स करते हुए शेडिंग किए थे, और ये ग्रीन कलर से रंग दिए हैं, और ब्लैक कलर से वाल्मीकि जी का मोचदारी बाल को रंग दिए हैं, और साइड से हल्का सा ब्लैक कलर व्हाइट कलर दोनों मिक्स करते हुए कलर करेंगे। तो हल्का सा ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं साइड से, जैसा कि देख रहे हैं। अब वाल्मीकि जी का मोर को कलर कर रहे हैं, तो पहले हरा कलर से मोर को कलर कर दिया, ब्लू कलर से दाग दे दिए। अब आँख खोल रहे हैं, तो आँख खोलने के लिए डायरेक्ट ऑरेंज कलर यूज कर रहे हैं आँख के नीचे, और उसमें हल्का सा ब्लैक कलर मिला करके हल्का सा शेडिंग कर दिए हैं। अब डायरेक्ट व्हाइट कलर यूज करेंगे आँख के पल में, आँख के ऊपर जो रहता है पल उसमें भी दिए हैं ऑरेंज कलर यूज। अब व्हाइट कलर से पहले इसे पेंट कर देते हैं, और ब्लैक कलर ऑरेंज कलर दोनों मिक्स करके इसमें पहले पेंट कर देंगे। तो बहुत इजी तरीका से आँख को कलर कर दिए हैं, और आईब्रो को भी कलर कर दिए हैं, और युवराक्ष मोती को भी कलर कर रहे हैं। और नीचे ब्राउन कर देंगे जमीन को, और महाऋषि का फेस में एक टीका छूट गया है, तो वो टीका को कलर कर रहे हैं, तो रेड कलर से टीका को कलर कर रहे हैं, और होंठ को भी कलर कर दिए। तो आप लोग को ये मूर्ति कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग को ये मूर्ति महाऋषि का जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं। और आप लोग को इस वीडियो में कोड दिखाया जो 4 अंक का कोड है, तो जो वो भी सबसे पहले सही सही कोड हमें सेंड करता है उसका मूर्ति बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।